मेकअप से अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद करते करते एक्सटेंशंस, आईलैशेस, फिर उसके बाद कपड़े, मेन सैलून स्टूडियो, मतलब क्या क्या, एक कॉस्मेटिक्स। आप यकीन करें निदा कि इतना कोई बेहतरीन रिस्पॉन्स है और मेरे शुरू से बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी जो जर्नी रही है इस करियर में जिस तरह से मैंने अपना नाम बनाया है, तो स्टार्टिंग मेरे लिए बड़ी ऑब्वियसली मेरे लिए बड़े हर्डल्स से चीज़ें थी, लेकिन मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। ऑब्वियसली आज भी हम जो इतना ज़बरदस्त एक प्रोग्राम कर रहे हैं उसके मैं काफ़ी सारे इस तरह के प्रोग्राम्स कर चुका हूँ कॉम्पिटिशन में, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो शायद मुझे मुश्किलात हुई बिला वजह जो है उस ज़माने में, मुझे ऐसा लगता है कि लोग बड़ा अपना फ़न हुनर छुपाते थे और पैसे चार्ज करते थे, तो मैंने इस काम को एक तो अपने काम के लिहाज से आप देखें बहुत ज़्यादा जो है मतलब इजी करने की कोशिश की, वो फेसबुक के थ्रू इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस में बड़ी डिटेल वगैरह, उसके बावजूद मैंने देखा लोगों को यहाँ पर ना सही प्रोडक्ट नहीं मिलती, नकली चीज़ें होती हैं, तो अब आप ये देखें कि अनम को छोड़ा ये डॉल कौन है आपके साथ। अनम आप ये देखें बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है अनम का, ये मैं बहुत ज्यादा जो है जब चलेंगे ना जब पिछले एपिसोड चलेंगे तो अनम तुम खुद देखोगी। नहीं नहीं मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती हूँ, लाइक क्लाइंट मुझे सेल्फी साइन करते हैं अपनी, मैं खुद भी सुन हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ ये मैं हूँ। अच्छा मुझे सब सारी खवातीन देख रही होंगी, काशिफ को तो देख रही होंगी लेकिन वो अनम को देख रही होंगी, ये अनम इतनी दुबली मुझे सलोन में क्लाइंट मैं सामने बैठी होती हूँ तो कहते हैं कि वो आप अनम की छोटी बहन है, मैं कहती नहीं मैं खुद अनम हूँ। अनम तुमने क्या किया, आपके एक शो में याद है कि गजल आपा की जब एक्सटेंशन वगैरह लग रही थी तो मैंने कहा गजल आपा की जैसे बिल्कुल जो है ना गोल मटोल से ये बिल्कुल हो गई थी ना, तो मेरे ख्याल में हम किसी जो है भी नेक्स्ट एपिसोड वगैरह में जो भी हम अभी नेक्स्ट जो होगा हमारा उसमें वो वाला जो है पुराना जो इनकी वीडियो है ना और ये अभी का जो है पूरी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे ख्याल में दिखानी चाहिए हमें।